Good morning student, I am Vijay Verma. Today in this video, we will solve question 4, 5 and 6 of exercise 2.5 of chapter 2, whole numbers for class 6. So let's start with question 4. Question 4 is, identify the patterns in the product and write the next 3 product. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे जो product है, उसका pattern को identify करना, और फिर इसके बाद में आगे के 3 numbers और लिखने हैं. क्लियर? तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 9 लिखा है, और 9 के बाद यहाँ पे क्या लिखा है, 98 मींस बैक काउंटिंग है ना. फिर 987, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9876, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 98765, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 987654. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 इज, ऑब्जर्व द पैटर्न इन द फॉलोइंग एंड फिल इन द ब्लैंक. तो यहाँ पे जो पहले पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसके बाद में उनके आंसर को फिल करेंगे. देखिए यहाँ पे लिखा है 9 मल्टीप्लाई 9 प्लस 7 इज इक्वल टू 88 मीन्स 88. यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे 4 है. तो इस तरह से बैक काउंटिंग चल रही है. यहाँ पे 9 बिल्कुल सेम एज इट इज आ रहा है, और यहाँ पे 9, यहाँ पे 98, यहाँ पे 987, और यहाँ पे 9876, यानी बैक काउंटिंग चल रही है. तो देखिए तो यहाँ पे कितना 88 है, और यहाँ पे कितना 3 बार 8 आ रहा है, और यहाँ पे कितनी बार आएगा, 4 बार 8. क्लियर? और यहाँ पे 5 टाइम्स 8 आएगा. क्लियर? तो इस तरीके से ये आपका ये क्वेश्चन 5 कंप्लीट हुआ. क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स विदाउट एक्चुअली काउंटिंग देम फॉर द नंबर ऑफ पॉइंट्स 7, 8 and 9 मार्क ऑन द सेम लाइन. मीन्स यहाँ पर हमें पॉइंट्स गिवन है, जैसे एक बार 7 पॉइंट्स दे दिए, फिर दूसरी बार 8 पॉइंट्स दे दिए, और तीसरी बार 9 पॉइंट्स. अब हमें बताने कि इन पॉइंट्स पर कितने लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो सकते हैं, ये कितने लाइन सेगमेंट हो सकते हैं, तो वो भी बिना कैलकुलेशन के, बिना एक्चुअली काउंटिंग के. ओके, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट, ये फॉर्मूला है इसका, जिसके बेस पे हम डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं. तो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू होल नंबर मल्टीप्लाई होल नंबर माइनस 1 और अपॉन में 2. ये फॉर्मूला है जिसके बेस पर हम ये बता सकते हैं कितने पॉइंट्स पर कितने लाइन सेगमेंट हो सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे पहले 7 पॉइंट्स है, तो इसके लिए देखते हैं. तो 4, 7 मार्क पॉइंट, तो 7 मार्क पॉइंट इस पे कितने लाइन सेगमेंट होंगे, तो देखिए तो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट, तो होल नंबर कितना पे 7 है मल्टीप्लाई, अब यहां पे लिखा है होल नंबर माइनस 1, यानी कि 7 में से 1 माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा 6 अपॉन 2, 2 3 जा 6 और 7 3 जा 21, यानी कि यदि 7 पॉइंट्स हैं तो उसमें 21 लाइन सेगमेंट हो सकते हैं. क्लियर? अब आते हैं 8 के लिए, फॉर 8 मार्क्ड पॉइंट, तो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट कितने होंगे, तो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू, अब देखिए होल नंबर की जगह क्या लिखेंगे, 8 लिख देंगे, तो 8 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे लिखा होल नंबर माइनस 1, यानी कि 8 माइनस 1 कितना होगा 7 अपॉन 2, 2 4 जा 8, तो 7 4 जा कितना होगा 28, यानी कि 28 लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं. इसी तरीके से 9 के लिए, तो 9 के लिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ. क्लियर? तो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई, 9 में से 1 माइनस करें तो 8 हो जाएगा अपॉन 2, 2 4 जा 8 और 9 4 जा 36, ये आ गया इसका आंसर. तो ये 21, 28 और 36 ये सब क्या है, लाइन सेगमेंट. ओके,